गाइज वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप लोग? गाइज अभी हम आ गए वैशाली के जो तीर्थ का राख रखा गया वहाँ कोल्हुआ, वहाँ पर मैं आपको अभी दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। आइए मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ देखिए परिसर में सारा फूल लगा है। अभी यहाँ एक टीला है जो एक बगल में अशोक स्तंभ बना हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। कोल्हुआ में अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश के स्मरण के लिए बनाया गया था। यहाँ देखिए दोस्तों, जो पहले का जो मकान होता था उसका दीवार है, मोटी मोटी होती थी दीवार, ऐसे बना हुआ है। ये रूम बना है, देखिए वो सब रूम था, ये हमको लग रहा है कुछ और रहा होगा। सारी दीवारें बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं। अभी दोस्तों हम लोग कोल्हुआ बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। यहाँ ऐसे लोग बताए हैं कि वैशाली का राख रखा गया था, अस्थि कलश जो बोलते हैं राख। यहाँ देखिए पुराने काल के कुछ बने अवशेष जो हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अशोक स्तंभ कोल्हुआ वैशाली में है। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए साफ तरफ स्तूप बना हुआ है। यहाँ सामने एक तालाब है छोटा सा। इसका तालाब का नाम रामकुंड है। सुशील भाई हैं इधर, देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अशोक स्तंभ। पीछे से देख लीजिए आप लोग, दोस्तों यह स्तूप एक कोल्हुआ है जो वैशाली बिहार में पड़ता है। यहाँ आप आइए, बहुत बढ़िया बना है यहाँ बहुत। यहाँ आप आकर एक अच्छा मोमेंट अपना बिता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर आइए एक बार यहाँ।
दोस्तों स्तूप का पूरा चक्कर दिखा दिया हूँ आपको। बहुत धूप है, आप लोग पूरा देखिएगा, इंजॉय करिएगा। आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, विजिट करिए। अगर यहाँ पर आने से आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा, अगर आप PCS या IAS या UPSC या किसी चीज़ का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ घूमने से आपको इतिहास के बारे में बहुत पता चलेगा। और ऐसा इतिहास है कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भूलना चाहेंगे जीवन भर आपको याद रहेगा। और जो किताब पढ़कर आप इतिहास याद करते हो वो भूल जाता है, मगर ये भूलता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा।